मनीष सिसोदिया, ये वो नाम है जो कल से खूब चर्चा में है। वजह है गिरफ्तारी। गिरफ्तारी क्यों की गई? क्योंकि उनका नाम सीबीआई ने एक चार्जशीट में दाखिल किया। चार्जशीट किसकी थी? शराब के घोटाले की। अब एक सवाल ये उठा कि आखिर मनीष सिसोदिया को टारगेट क्यों किया जा रहा है। सवाल तो उठते ही हैं और दोनों तरफ से उठते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा है? इसलिए नहीं क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी थे या दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, बल्कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं किया है, एक तरीके से देखा जाए तो आधी सरकार को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, मनीष सिसोदिया दिल्ली के 33 में से 18 मंत्रालय संभालते थे। इसके साथ ही एक चीज जो सामने आती है वो ये आती है कि मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के कितने करीबी थे, अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा भरोसा किस पर था, इसमें किसी को शक व शुभा नहीं है क्योंकि मनीष सिसोदिया का नाम सबसे ऊपर आता है। तो ऐसे में एक कहानी ये भी उठती है कि आखिर ये दोनों मिले कैसे। असल में इन दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी है। मनीष सिसोदिया ने अपने करियर की शुरुआत एक रेडियो जॉकी के तौर पर की थी। उसके बाद 1996 से 2005 तक वो एक जर्नलिस्ट, टीवी जर्नलिस्ट जिसे कहते हैं, वो थे। अब इस दौरान जब वो पत्रकार थे तो उन्हें एक स्टोरी कवर करनी थी एनजीओ पर। एनजीओ का नाम था परिवर्तन। ये एनजीओ किसका था? एनजीओ था अरविंद केजरीवाल का, जिसे उन्होंने 1998 में बनाया था। अब जब स्टोरी हुई तो दोनों की मुलाकात पहली बार होती है। स्टोरी के दौरान बातचीत हुई, ये बातचीत आगे बढ़ी और दोनों की दोस्ती हो गई। फिर आता है अन्ना आंदोलन। जब इस जन लोकपाल आंदोलन की नींव रखी जा रही थी, तभी आरटीआई के लिए ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 9 बंदों की एक कमेटी तैयार की गई। इस कमेटी में 9 बंदों में से एक थे मनीष सिसोदिया। इस दौरान मनीष सिसोदिया अपनी एक एनजीओ चलाते थे जिसका नाम था कबीर। काम क्या होता था इस एनजीओ का? ये आरटीआई के लिए लोगों को जा जाकर इन्फॉर्मेशन देते थे आरटीआई के बारे में। यही सेम काम कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। अब जब राहें एक ही होती हैं तो दोनों को मिलना तो तय ही था। इसलिए मनीष ने क्या किया कि उन्होंने अपना एनजीओ बंद करके अरविंद केजरीवाल के एनजीओ में शामिल हो गए। अब दोनों मिलकर झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाकों में जाते थे, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाते थे और लोगों को आरटीआई के बारे में जागरूक करते थे, लोगों को आरटीआई के बारे में जानकारी देते थे। इसके बाद आता है साल 2011। ये वही साल है जब दिल्ली में अन्ना का आंदोलन गूंज रहा था। इस आंदोलन के स्टेज पर दो चेहरे खूब नाम बटोर रहे थे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। 2011 में ही आम आदमी पार्टी यानी कि आपकी तैयारी भी शुरू हो गई थी राजनीति में आने की। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जब मनीष सिसोदिया को इसके बारे में बताया तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया, चलिए अब हम आपके साथ हैं। तो ये भी कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के पहले वॉलंटियर कोई और नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया ही थे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद पार्टी बनी। पार्टी बनी तो वो सत्ता में आई, 2012 में चुनाव लड़ी और पहली बार सरकार बनाई। अब तक 3 बार सरकार बना चुकी है आम आदमी पार्टी और तीनों बार मनीष सिसोदिया का कद हर बार बढ़ा ही है। इस वक्त मनीष सिसोदिया इस घोटाले के चक्कर में जेल में है, जिस पे कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, कई तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन भी किया। क्यों? क्योंकि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी का वो बड़ा नाम है जो हर कहीं सबसे फ्रंट पे आता है, फिर चाहे वो केंद्र सरकार से टक्कर लेना हो या एलजी से, मनीष सिसोदिया सबसे आगे नजर आते हैं। इतना ही नहीं बल्कि अगर हम उनके सामाजिक काम की बात करें तो उसमें भी वो काफ़ी हद तक बहुत आगे रहते हैं। अगर हम दिल्ली के एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से उसमें रेवोल्यूशन लेके आया है उसकी सराहना खुद अरविंद केजरीवाल करते हैं। वो इसके बारे में एक ट्वीट भी कर चुके थे कि जब न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पेज पर दिल्ली के स्कूल मॉडल की तस्वीर आई थी जिसका पूरा क्रेडिट मनीष सिसोदिया को दिया गया था। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अभी अगर हम उनके मंत्रालय की बात करें तो एजुकेशन, हेल्थ जैसे तमाम मंत्रालय वो खुद ही देखते हैं, अरविंद केजरीवाल को उन पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि आने वाले चुनाव जो कि दिल्ली के होने हैं अगले साल, उसमें भी आम आदमी पार्टी के लिए भी बड़ा झटका है। आपको क्या लगता है कि ये गिरफ्तारी क्या राजनीतिक है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।